गाइस, बात करने वाले हैं आयशा सिंह के बारे में। जी हाँ, आयशा सिंह की अगर बात करी जाए तो उनके न्यू प्रोजेक्ट को लेकर खबरें सामने आने लगी हैं। यानी कि बातें चल रही हैं कि आयशा सिंह का न्यू प्रोजेक्ट बहुत जल्द सामने आने वाला है, बहुत जल्द आप उनको देखने को मिलेगी। आयशा सिंह क्या उनका न्यू प्रोजेक्ट होने वाला है, किस तरीके का उनका कैरेक्टर होने वाला है, क्या कुछ डिफरेंट होगा सही के कैरेक्टर से, ये देखने के लिए फैंस बहुत ज़्यादा बेताब हैं। वहीं बात करी जाए नील भट्ट और आयशा सिंह के बारे में, तो भाई कहना ही क्या है। नील भट्ट और आयशा सिंह की जोड़ी सुपर डुपर हिट रही, यानी सही और विराट की जोड़ी। सही विराट के नाम से बहुत ज़्यादा ये हैशटैग ट्रेंड करता रहता है और ये जोड़ी सुपर डुपर हिट रही है। स्टार प्लस की जोड़ी में से एक है, ये टॉप 10 के अंदर अपना नाम लाती है जोड़ी। अगर बता दें तो आयशा सिंह की बात करें तो फैंस डिमांड करें नील भट्ट के साथ नज़र आनी चाहिए जोड़ी, लेकिन वही बता दें कि ऐसा पॉसिबल नहीं होने वाला है फिलहाल। कहीं ना कहीं ऐसे ही लगता है क्योंकि ऑलरेडी ये जोड़ी एक अपना बेंचमार्क सेट कर चुकी है, तो ऐसे में इस जोड़ी को दोबारा से कास्ट करके किसी अदर प्रोजेक्ट में मेकर्स ऐसा नहीं करने वाले हैं। यानी कि जो भी न्यू प्रोजेक्ट होगा, चाहे वो नील का हो या आयशा का हो, आपको वहाँ पर नई जोड़ी ही देखने को मिलेगी। यानी आयशा के अपोजिट एक नया एक्टर, कोई जाना माना चेहरा भी देखने को मिल सकता है, तो वही नील के अपोजिट भी कोई अदर एक्ट्रेस ही देखने को मिलेगी। फिलहाल बता दें आपको खबरें सामने आ रही हैं कि जैन इमाम के न्यू प्रोजेक्ट को लेकर बातें सामने आ रही हैं और ऐसे में उम्मीद करी जा रही है, कहीं ना कहीं कयास लगाया जा रहा है कि जैन इमाम और आयशा सिंह कहीं एक साथ ही तो नज़र नहीं आने वाले। यानी कि दोनों क्या एक साथ ही नज़र आएंगे, क्या फर्स्ट टाइम दोनों की जोड़ी एक साथ देखने को मिलने वाली है। ऐसे में कुछ फैंस तो एक्साइटेड हैं इस जोड़ी को लेकर, तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि नील के साथ ही जोड़ी देखनी है। अभी आने वाले टाइम में क्या होता है भाई, इस बात को लेकर तो अभी कुछ नहीं बोला जा सकता है, लेकिन हाँ अगर ये जोड़ी नज़र आती है तो रिस्पॉन्स अच्छा मिल सकता है ऑडियंस का, और इसके नाखे चांसेस भी हैं। वो इसलिए क्योंकि जैन मैम की जोड़ी लोग अदिति राठौर के साथ ही पसंद करते हैं और उनके अपोजिट जितनी भी एक्ट्रेस अभी तक नजर आई हैं, चाहे वो रीम शेख की बात करें या फिर शिवांगी जोशी की, उनके साथ उनकी जोड़ी पसंद नहीं करी गई है। सो देखना ये है कि आयशा और जैन की अगर जोड़ी नज़र आती है तो क्या ये जोड़ी पसंद करी जाएगी या नहीं। फिलहाल ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई है तो क्लियर कुछ भी नहीं बोला जा सकता है। फिलहाल आपको किसके साथ जोड़ी देखनी है ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।